हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। फॉरेन एक्सचेंज के फर्स्ट पार्ट में हमने फॉरेन एक्सचेंज के कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई कर्व के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। सो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। There is an inverse relationship between price of foreign exchange and quantity demanded of foreign exchange. मतलब foreign exchange के prices बढ़ते हैं तो quantity demanded घटता है। Example, अगर price P0 से P1 होता है तो quantity demanded Q0 से Q1 हो जाता है। आई समझते हैं reason for outflow। Goods and services को foreign country से अपने country में import करने के लिए, फॉरेन कंट्री में असेट्स को खरीदने के लिए, सेंडिंग गिफ्ट्स अब्रॉड, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए एंड अदर लाइक टूरिस्ट पर्पस के लिए। आई नेक्स्ट समझते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी सप्लाई। मतलब प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अगर प्राइस P0 से P1 होता है तो क्वांटिटी सप्लाई Q0 से Q1 होगा। आइए समझते हैं सोर्सेस ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन करेंसी के इनवर्ड सप्लाई का मेन सोर्स है। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्री फॉरेन करेंसी के इनवर्ड सप्लाई का सोर्स है। रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री भी करेंसी इनवर्ड सप्लाई का सोर्स है। स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड टूरिज्म भी फॉरेक्स के इनवर्ड सप्लाई का सोर्स बन सकता है। नाउ आइए समझते हैं प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेक्स। एक्सचेंज रेट उस पॉइंट पर फिक्स होगा जहां फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर सप्लाई कर को इंटरसेक्ट करेगा। आइए देखते हैं सिचुएशन जहां प्राइस बढ़ता या घटता है। अगर एक्सचेंज रेट P से बढ़कर P1 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से घटकर QD1 हो जाएगा और क्वांटिटी सप्लाइड Q से QS1 हो जाएगा। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। बार्गेनिंग तब तक होता रहेगा जब तक कि प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना आ जाए। नाउ अगर प्राइस P से घटकर P2 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से बढ़कर QD2 हो जाएगा और क्वांटिटी सप्लाइड Q से QS2 हो जाएगा। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। बार्गेनिंग तब तक होता रहेगा जब तक कि प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर न पहुंच जाए। नाउ आइए समझते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आइए सबसे पहले समझते हैं रीजन फॉर शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइस बढ़कर R1 हो जाएगा। अगर डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइस घटकर R2 हो जाएगा। सेम लाइक अगर सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइस R1 हो जाएगा एंड सप्लाई कर फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइस R2 हो जाएगा। सो फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक आज यही कवर होता है। अगले वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।